रहे हो, रुझानों को देखकर क्या कहेंगे आप? मन मुताबिक है? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है सर। विश्वास, जी जी हमें विश्वास दिखाया है। हेलो जी, जी अब आपकी आवाज दर्शकों तक पहुंच रही है सर। हेलो हेलो जी जी आपकी आवाज पहुंच रही है सर दर्शकों। हेलो मैं आपको सुन पा रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी आपकी आवाज पहुंच रही है सर दर्शकों तक, बात रखिए। हेलो आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी आपकी आवाज सर दर्शकों तक पहुंच रही है, बात रखिए। हाँ महाराष्ट्र की जनता का, मतदारों, भाइयों बहनों का, सब वरिष्ठों का मैं धन्यवाद करूंगा कि आज जिस तरीके से महाराष्ट्र में जनता ने महायुति को सपोर्ट किया है, बहुत भारी विजय की ओर, एक जीत को ओर लेके जा रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि इतने दिनों का, 2.25 साल का किया हुआ काम, एकनाथ शिंदे जी का काम, देवेंद्र जी का, अजीत दादा का काम, जनता तक पहुंचाकर। जी जी चिंटू जी, चिंटू जी से संपर्क टूट गया, हम कोशिश कर रहे हैं लगातार उनसे जुड़ने की। आपको बताते चलें कि लगातार जो रुझान है वो सामने निकल कर आ रहे हैं और अभी तक जो है वो नतीजों में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ आपको बताते चलें कि इस वक्त केदारनाथ जो सीट है उत्तराखंड की, उस पर बीजेपी की आसन उठाला आगे चल रही है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटों पर सपा और बाकी सीटों पर आरएलडी और बीजेपी आके चल रही है। अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो दोनों सीटों पर ही यहां पर बीजेपी आगे चल रही है। अब देखना यह होगा कि आखिर लास्ट राउंड तक कौन बाजी मारता है कौन नहीं, लेकिन हाँ बीजेपी के दफ्तर में साउंड सिस्टम लगना शुरू हो चुका है, साथ ही साथ यहां पर मालाएं लगनी शुरू हो गई हैं, फुलझड़ी लगनी शुरू हो गई हैं। बीजेपी जश्न की तैयारी में है। अब यह जश्न तैयारी तक रह जाएगा या फिर जमीनी स्तर पर भी उतरेगा यह आखिरी राउंड तक ही पता चलेगा, लेकिन हाँ यहां थोड़ा सा मुकाबला पेचीदगी वाला लग रहा है मध्य प्रदेश में बुधनी सीट पर। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, गौरव चतुर्वेदी जी, संतोष परिहार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। गौरव चतुर्वेदी जी, जिस तरह से देखा जाए महाराष्ट्र चुनाव में लगभग लगभग अब अगर यही थोड़ा सा और एक दो राउंड तक रहा तो स्थिति बहुत हद तक साफ हो जाएगी। हम उत्तर प्रदेश की बात जब संतोष जी से कर रहे थे कि अगर वहां पर सीट, अगर कुछ सीटें लेते तो शायद कुछ नतीजे अलग होते, ना लेना और लेना, हालांकि वो उनका अलग विषय है कि वो उनकी आपसी सहमति है। क्या लगता है कि आपको जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने वहां प्रदर्शन किया उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर वह सीट, एक या दो सीट लेते और उन पर चुनाव लड़ते तो शायद कुछ फिलहाल रुझान कुछ और होते? नहीं देखिए, इंडिया गठबंधन के बीच में जो बातें हुई उस आधार पर अगर कुछ चुनाव में जाने की बात करें तो गलत नहीं करते हम। ये बात बिल्कुल सही कहते हैं कि अगर एक सीट भी लेते कि आपको अपना भी परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा, बिल्कुल। लेकिन अगर एक सामूहिक तौर पर कोई बात हुई है कि चुनाव सपा लड़ेगी तो उसमें कोई गलत नहीं, क्योंकि वो उनका पॉलिसी निर्णय है। लेकिन आम चुनाव की बात होती, आम चुनाव की बात होती तो वहां पर सीटों का वितरण होता है, लेकिन उपचुनाव में हो सकता है कि यह तय हुआ हो कि वहां पर सपा अपनी मेहनत करेगी, वो बाकी अन्य राज्यों में मेहनत करेंगे। ये पॉलिसी मैटर है, इस पॉलिसी मैटर पर उसके पॉजिटिव नेगेटिव बातें हो सकती है, लेकिन ये उनका व्यक्तिगत आंतरिक निर्णय है कि उसको छोड़ देना उचित है। जी 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 बिल्कुल, नहीं बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन यहां पर जमी जमाई अगर सपा की सीटें 3 थीं और उन्हीं 3ों पर वो आगे चल रही है, ठीक है, लेकिन अगर कांग्रेस, ये हालांकि कांग्रेस ने जब शुरुआती दौर में अगर देखे तो इस चीज पे ऐतराज जताया था सपा से कि हमें भी सीट चाहिए, लेकिन बाद में मान मनोबल जो भी उनकी कहानी बनी हो, लेकिन सपा भी जो उम्मीद थी वो प्रदर्शन कर नहीं पाई इन उपचुनावों में, जो दोनों ने मिलकर जो प्रदर्शन किया था लोकसभा चुनाव में। तो अगर उपचुनाव में एक ताकत थी कि अपने सहारे या खुद के सहारे यहां पर कांग्रेस अगर एक सीट भी जीतती तो आने वाले समय में अगर सपा यहां 3 सीटों से ज्यादा सीटें जीतती है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में हमेशा से सपा भारी रही है कांग्रेस पे, एक तरफा अपनी चलाई है उसने, चाहे हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा और हमने उपचुनाव में भी देखा। तो ऐसा नहीं लगता कि अगर खाता खोलना है, यूपी को फिर से अपना गढ़ बनाना है तो यहां पर हिम्मत उठानी चाहिए थी? नहीं, हिम्मत उठाना होगी और हिम्मत उठाने के साथ साथ आप बहुत ज्यादा मेहनत करना होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस की स्थिति है वो आज खत्म हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में को उठाने के लिए वहां उन्हें बहुत मेहनत करना पड़ेगा, जब उन्हें लग रहा था
हम अगर चुनाव में जाएंगे तो हम अपेक्षित परिणाम नहीं ले पाएंगे, ये सीटें सपा को देती जाना चाहिए, उन्होंने सपा को दे दी। चिंटू सेठ जी जुड़ गए फिर हमारे साथ, शिवसेना प्रवक्ता मुंबई। चिंटू सेठ जी, अब तक आवाज आ रही है? चिंटू सेठ जी, अब तक आवाज आ पा रही है? चिंटू सेठ जी के तब आवाज नहीं जा पा रही, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं अपनी टेक्निकल टीम से बात करके कि उनसे हम जल्दी जुड़ पाए, लेकिन संतोष परिहार जी हमारे साथ बने हुए। संतोष परिहार जी, जो बीजेपी के दफ्तर में जिस प्रकार से फुलझड़ियां लग रही हैं, मिठाई के लिए पैकेट्स आने शुरू हो गए हैं, झंडे लगने शुरू हो गए हैं, कांग्रेस के दफ्तर में ऐसा कुछ चल रहा है या सोचा है या नहीं सोचा है, या फिर पहले से सोच के बैठे हुए थे कि शायद कुछ निगेटिव हो सकता है? नहीं, जो भी है वो तो जनता ने देखा, सबने आप सब जगह गिरी पिए, और हम अभी गिनती चल रही है, अभी परिणाम नहीं आए हैं, अभी आगे देखते हैं। बाकी जो है, हमने पूरा निर्वाचन आयोग से लेकर, आपने कहा शिकायत करना चाहिए तो शिकायत भी करी, सब करा, उसके अंदर नहीं हुआ तो आगे लड़ाई लड़ेंगे, उसमें कोई वो थोड़ी है। हार जीत की बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ, हार जीत तो एक विषय है कि एक हारता है एक जीतता है, मैं तो दुरुपयोग की बात कर रहा हूँ जो सत्ता का पूरी तरीके से। आप इधर कह रहे हैं उधर, उत्तराखंड में भी वहां के प्रदेश अध्यक्ष 2 दिन पहले ही कह चुके हैं यहाँ पर भी प्रशासन का दुरुपयोग किया गया है, शराब बांटी गई है, गाड़ियों में शराब पकड़ी है, और अब हालांकि हम लड़ेंगे, उन्होंने भी ये बात कही। तो क्या बीजेपी ये कहा जाए पूरे देश में गुंडाराज चला रही है, सिर्फ यहाँ पर चंबल संभाग की बात नहीं करें, विजयपुर सीट की, बाकी लगभग लगभग सभी राज्यों में यही हाल है? देखिए, ये पूरे देश में ये हाल है, क्योंकि व्यापारी जब हो जाएगा, वो व्यापार के अंदर जब वो तो क्या है, उन्हें झारखंड को भी लूटने का प्रयास करा था, झारखंड में भी पूरा जो है हमने जो भी जितना भी दुरुपयोग करना है वो करा, यहाँ छापे पड़वा दो, ईडी सीबीआई पुलिस सब ये इनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, तो जनता देख रही है सब चीज़ें। जब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री जब पैसे बांटते हुए लोगों को पकड़ा हुआ कर रहा है, उसके बाद पुलिस उसको बचा के ले आ रही है, जब पिटने की नौबत आई तो पुलिस बचा के ला रही है, तो अब इससे क्या है कि अंग्रेजों से जो लड़ाई लड़ी थी कांग्रेस ने लोगों यहाँ के लोगों ने, तो अब ये पूरे इनसे लड़ाई लड़ना कोई आसान थोड़ी, इसके बाद भी हम खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, नहीं तो ये खरीद लेते हैं, विधायक खरीद लेते हैं, मंत्री खरीद लेते हैं, तो इनका जो नाच चल रहा है ये तो जनता भी देख रही पूरी तरीके से, बेतहाशा महंगाई है, बेतहाशा बेरोजगारी है, बेतहाशा लूट मची हुई है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, आईएएस जो है रिचार्ज और टॉपअप पे चल रहे हैं, रोज कलेक्टर के ट्रांसफर हो रहे हैं, रोज एसपी के ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ये तो पूरा लूट प्रदेश बन गया मध्य प्रदेश, और इसके बाद भी उनको मालूम है हार जाएंगे तो पूरा उपयोग कर लेते हैं, तो ठीक है, जनता जब विद्रोह करेगी, वो जब आप झारखंड में आपने कहा कि हम झारखंड की बात कर रहे हैं ना, झारखंड में वहां पे आप मौजूद थे, मैं वहां मौजूद था, वहां पे क्या मुद्दा रहा जिसने ये पूरा सिनेरियो बदल दिया वहां पे जमीन की, क्या वहां ये मुद्दा सबसे बड़ा ये रहा कि जब सिब्बू सोरेन ने लोगों से कहा कि 2 व्यापारी आए हैं पूरे प्रदेश को लूटने के लिए, हमारी खनिज संपदा लूट लेंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पूरे उनके साथ हैं, और पूरे देश के अंदर जैसे कर रहे, एयरपोर्ट खरीद लिया, हवाई अड्डे खरीद लिए, ड्रग्स का व्यापार हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, तो वैसा उनको लगा, तो वहां की जनता को क्लिक कर गई वो बात कि बात सही है कि हमारी खनिज संपदा लूट लेंगे सब जैसे, तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी, फूट डालो, राज करो, पुलिस प्रशासन का उपयोग करो जो वो कर रहे हैं, और ये अच्छा नहीं है लोकतंत्र के लिए, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, जो नहीं हुए वो शुरू से शिकायत करते रहे, मैं बात उसकी नहीं कर रहा हूं, उसके छापा पड़वा दिया था सिब्बू सोरेन के स्टाफ में, तो ये तो उनका पूरा देश में चल ही रहा ना, सारे घोटाले सारे, वो अभी अमेरिका में जो FIR दर्ज हो गई है, क्यों नहीं भेज देते वहां पे जो है व्यापारी को, तो ये सब चीजें हैं, ठीक नहीं है जो भी है, लेकिन जनता जवाब देती है, अभी उपचुनाव है चल रहा है, अभी हार जीत की बात नहीं है, दुरुपयोग वाली बात कर रहे हैं, वो हम जीत भी जाएंगे तो भी हम करेंगे, क्योंकि हमने देखा है जी। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गौरव चतुर्वेदी जी आपका, और हमारे साथ संतोष परिहार जी कांग्रेस प्रवक्ता क्षेत्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और वक्त देने के लिए। आपको बताते चले कि MP और लगातार CG में यानी कि छत्तीसगढ़ में 1 सीट पर और उत्तराखंड में 1 सीट पर और साथ ही राजस्थान में 7 सीट पर लगातार जो चुनाव हुए हैं उनके नतीजे, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर जो एक हर एक जानकारी
इस वक्त मतगणना की आ रही हम आप तक पहुंचा रहे हैं, कितने कहां पर राउंड हो चुके हैं, रुझानों में क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, महाराष्ट्र में क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आ रही, ये लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं जानकारी। झारखंड में और महाराष्ट्र, ये दो बड़े राज्यों में जहां पर विधानसभा चुनाव हुए थे, तस्वीर एक एनडीए के हिस्से में जाता दिख रहा है तो दूसरा इंडिया गठबंधन के जाते में दिख रहा है। उपचुनाव में फिलहाल तो बराबर का परचम यहां पर देखने को मिला, लेकिन हाँ अभी चूंकि रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, नतीजे अभी तक सामने निकलकर नहीं आए हैं, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कहां पर बाजी पलट सकती है। मध्य प्रदेश में जश्न की तैयारी शुरू हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में भी स्थिति जस की तस फिलहाल बनी हुई है। राउंड जैसे जैसे कंप्लीट हो रहे हैं वैसे वैसे अंतर जरूर बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिलहाल सपा 3 और आरएलडी 1 साथ ही साथ बीजेपी 6 पर आगे चल रही है। इस मतगणना में लगातार अपडेट आपको हम दे रहे हैं, लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं ग्राउंड जीरो पर जो पल पल के अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार स्वराज एक्सप्रेस का महाकवरेज जारी है, मुझे दीजिए फिलहाल इजाजत, नमस्कार।